नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है। उन्होंने कहा कि जहां भी सख्ती की जरूरत पड़े पुलिस कड़ाई से कार्यवाही करे, लेकिन अपराधों पर नियंत्रण होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उनकी पीठ थपथपाई, साथ ही अपराध पर नियंत्रण की कड़ाई से कार्यवाही के निर्देश दिए। गृह मंत्री भी हूँ, स्वाभाविक रूप से इस विभाग की भी जवाबदारी मेरे पे है और उसी नाते से मैंने यहाँ अभी चलने वाले प्रदेश की सारी हलचल, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 3 महीने आचार संहिता के हो गए, स्वाभाविक रूप से हम सब चुनाव अभियान में लगे थे और जैसे ही ये चुनाव का 7वां चरण पूरा हुआ, हम अपने अपने स्तर पर अपने सारे कामों को हाथ में लेते हुए, और मैंने पुलिस विभाग को बधाई भी दी जिनने 4 महीने के ये 4 चरणों के चुनाव में पूरे प्रदेश स्तर पर पहली बार कोई बूथ लूटने की घटना, कोई गोलीबारी, कोई मर्डर, कोई बड़ा झगड़ा, कोई झंझट नहीं हुई। ये पुलिस की अपनी सफलता भी है, प्रशासन की सफलता भी है, और लेकिन जो होने वाले अपराध हैं उन अपराधों पे और सख्ती करें, अधिकारियों का लगातार निरीक्षण होना चाहिए, उनकी अपनी व्यवस्था बने और इस अच्छी बातों को समाज के बीच में लाएं, और जहां कहीं लगता है कि पुलिसिंग की कड़ाई की ज़रूरत है, मैंने छूट दी है कि आप जितना अपने को लगता है प्रशासन के लेवल पर आप वो पूरी शक्ति कीजिए। मुझे संतोष है इस बात का कि अभी तक के जो मुझे आंकड़े बताए भी गए, जिस प्रकार से रिकॉर्ड बने हैं, ये हमारे और वो सालों की तुलना में बहुत कम, एक तरह से ये घटनाओं पे काफ़ी नियंत्रण हुआ है। अपराध की दर सभी क्षेत्रों में गिरी है, लेकिन फिर भी हमने कहा सजगता रखना चाहिए। साथ ही साथ अगले महीने से बारिश के बाद त्योहारों का सिलसिला चालू होने वाला है, तो त्योहारों में भी हमारी अभी से प्लानिंग बन जाए, जहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी या बड़े आयोजन होने वाले हैं तो वहाँ का प्रबंधन हम कैसे अच्छा करें, क्या करें। खासकर स्कूल कॉलेज जो प्रारंभ होने वाले हैं तो स्कूल कॉलेजों के आसपास सुरक्षा के प्रबंध कैसे रखें, लड़कियों के स्कूल, लड़कियों के कॉलेज, उनकी विशेष चिंता करें। ऐसे कई विषयों को लेकर के मैंने अपनी बात कही और मुझे संतोष है कि जिस प्रकार का वातावरण बना है हमारे प्रशासन ये सारी बातों को करने में सक्षम है, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आएगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।